आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। पीएनएसटी 2022 एग्जाम के रिजल्ट को न्यायालय द्वारा रोके जाने के कारण घोषित न होने के चलते समस्त नर्सिंग स्टूडेंट ने आज अपनी समस्याओं को लेकर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के घर को घेरा। डिप्टी सीएम के घर पहुंचे परीक्षार्थी मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपना चाहते हैं और अपनी समस्याओं से भी उन्हें अवगत कराना चाहते हैं। इस दौरान छात्र छात्राओं ने बताया कि पिछले वर्ष सत्र 2022-23 के लिए मध्य प्रदेश में 8-9 जुलाई 2023 को नर्सिंग प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसके रिजल्ट पर हाईकोर्ट ग्वालियर के द्वारा रोक लगा दी गई थी, जिसकी वर्तमान में सुनवाइयां जबलपुर हाईकोर्ट में चल रही है, लेकिन अभी तक रिजल्ट घोषित नहीं किया जा सका है। यह प्रक्रिया को लगभग 10 महीने हो चुके हैं। इस परीक्षा में लगभग 60,000 स्टूडेंट्स शामिल थे। इस बीच एएसबी कर्मचारी चयन आयोग मध्य प्रदेश की वेबसाइट पर सत्र 2023-24 के सत्र के एग्जाम का नोटिस जुलाई में परीक्षा आयोजित करने के लिए आ चुका है। ऐसे में समस्त स्टूडेंट्स जिन्होंने पिछली बार परीक्षा में भाग लिया था, उन्हें अब डर है कि यह रिजल्ट रद्द हो जाएगा। लगभग 1850 सीटों के साथ यह पिछला नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके कारण मध्य प्रदेश में 1850 सीटों पर चयन की उम्मीद लगाए स्टूडेंट्स अब काफी डिप्रेशन में हैं और उन्हें कोई भी उचित हल या समाधान दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इनसे संबंधित विभाग पिछले 2 बार के स्टूडेंट्स को ना ही आगामी एग्जाम के बारे में कोई जानकारी ठीक से देते हैं, ना ही रिजल्ट संबंधी कोई जानकारी दी जा रही है। ऐसे में स्टूडेंट्स क्या करें यह समझ के परे है। दीपिका यादव सर, हम लोग जब भोपाल गए थे ये मतलब पीएनएसटी रिजल्ट को लेके, तो वहाँ से हमको डीएचएस विभाग से भगा दिया गया। वहाँ कोई रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट को दिया ही नहीं जाता है। और जब हम लोग ईएसबी गए तो वहाँ बोला गया कि कोर्ट में रुका हुआ है और दोनों एक दूसरे पर ही ब्लेम कर रहे हैं। वो मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि रिजल्ट जारी करने के लिए अपना वो ले रहा है और ये कह रहे हैं कि कोर्ट में रुका हुआ है। तो सर ये मतलब जिम्मेदारी तो विभाग की है ना कि वो स्टे हटवाए और हमारा रिजल्ट जारी करवाए, उसके लिए हम लोग थोड़ी जिम्मेदार हैं सर। मतलब अगर एग्जाम लेना गवर्नमेंट का वो है तो हम रिजल्ट जारी करना भी तो उनका रिस्पॉन्सिबल होता है ना। सर ये गवर्नमेंट की लापरवाही और डिपार्टमेंट डीएचएस डिपार्टमेंट और जो डीएमए डिपार्टमेंट है वो अपना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा रिजल्ट जारी करने के लिए। और कोर्ट ने जो स्टे लगाया है तो विभाग की जिम्मेदारी है स्टे हटवाने के लिए, पर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, ना कोई वहाँ पर आंसर दे रहा है। रीमा पांडे है जी सर। सर मैंने पीएनएसटी 2022 का पेपर दिया था, 2000 नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम है, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। 10 महीने बीत चुके हैं, तो वही हम मांग लेके आए हैं सर के पास कि हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए। जुलाई 2023 में दिया था, 8 जुलाई 2023। 66,000 स्टूडेंट ने पेपर दिया था, किसी का रिजल्ट नहीं आया है अभी तक। मुलाकात अभी नहीं हुई है सर से, हम लोग वेट कर रहे हैं कि सर से मिलेंगे और उनसे अपनी मांग रखेंगे कि हमारा रिजल्ट जारी किया जाए। और क्या करना? मेरा नाम निधि सिंह है सर। यहाँ पे हमने भी 2022 में पेपर दिया था जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है सर। हम सर लोगों के पास 10 बार आ चुके हैं, हमारी बातों को वैल्यू नहीं दिया जाता है। बोलते हैं ठीक है कार्यवाही होगी, सुना जाएगा, आएगा रिजल्ट, लेकिन नहीं आता है सर। और 11 महीने हो चुके हैं और नए पेपर का नोटिफिकेशन आ गया है, नए पेपर का शेड्यूल जारी हो गया। हम लोगों को डर है कि कहीं हम लोगों का रिजल्ट रद्द ना कर दिया जाए सर। और कलेक्टर से मुलाकात किए हैं, डीएमई ऑफिस भी गए हैं, डीएचएस ऑफिस गए हैं और ईएसबी ऑफिस भी गए हैं सर। और डिप्टी सीएम सर के पास हम लोग 10 बार आए हैं, फिर भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस बार सर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बच्चियाँ आई हुई हैं, सिवनी से आई हुई हैं और दूर दूर से आई हुई हैं सर। सर हमारा पिछले एग्जाम का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है और न्यू एग्जाम का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, तो ऐसे में क्या हमारा रिजल्ट नहीं आएगा? सर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आई हुई छात्राएं हैं, सीधी से, सतना से, सिंगरौली, मुरैना, बालाघाट, छिंदवाड़ा, पूरे एमपी से आई हुई स्टूडेंट हैं। और सर हम इतना परेशान हैं, 10 महीने से हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है, हम लोग करें तो क्या करें बताइए? वेट कर रहे हैं 10 महीने से, इतनी सारी स्टूडेंट हैं, हम रिजल्ट के इंतजार में ओवर एज हो रहे हैं। तो 66,000 स्टूडेंट हैं जिसमें रिजल्ट की वजह से हम लोग नहीं आ रहा, तो ओवर एज हो रहे हैं और दोबारा एग्जाम नहीं दे सकेंगे। तो ऐसे में हमारे भविष्य की चिंता हमको है और सारे स्टूडेंट परेशान है कि रिजल्ट नहीं आएगा तो हम करेंगे क्या।
रिजल्ट अभी तक नहीं आया, विगत 10 महीने हो गए अभी तक रिजल्ट नहीं आया। यहाँ की छात्राएं मध्य प्रदेश की हर जिले की हो गई, सिवनी, छतरपुर, रीवा, सतना, मैहर, कटनी, हर जगह 5 बार स्पीड पोस्ट कर चुकी हैं सीएम ऑफिस के लिए। यहाँ पे रीवा में विधायक जी से और डिप्टी सीएम माननीय राजेंद्र शुक्ला जी से 5 बार मुलाकात कर चुकी हैं, लेकिन उनके द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई उनके द्वारा। और आज 2 घंटे से इंतजार कर रही बच्ची, वो अभी अंदर हैं घर के अंदर, मुलाकात करने के लिए बोले 11 बजे मुलाकात होगी। ऐसे में बच्चियाँ कब तक भटकती रहें? जी 5 बार रीवा के गर्ल्स मुलाकात करने आ चुकी हैं, लेकिन उनके द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, कोई जिम्मेदारी कार्रवाई नहीं की जाती है। अगला कदम आज हम इनको ज्ञापन देंगे एक बार पुनः, अगर इसके बाद कुछ नहीं होता तो 4 जून के बाद आचार संहिता खत्म होने के बाद हम लोग भोपाल का रुख करेंगे, भोपाल में विभाग में DHS ऑफिस का घेराव करेंगे। पूरे MP की मध्य प्रदेश की हर जिले की छात्र आई हुई हैं। सर क्या मत